हाँ देखो, आठकुटन हो जायो, आठकुटन हो जायो। आ देखो पी बाधा, पी बाधा देखो। हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। एंड जैसे कि आप लोग देख रहे हैं स्क्रीन के ऊपर आपको दिख रहा है, या जो शुरू में मैंने आपको इंट्रो वीडियो दिखाई थी, दैट इज़ कालू बिश्नोई, राजकुमार बिश्नोई जो है वो काफ़ी फेमस हो चुके हैं आजकल यूट्यूब के ऊपर। जब भी आप यूट्यूब को ओपन करते हो, नंबर ऑफ़ वीडियोज़ जो है वो आपको देखने को मिलती है। वैसे ही बींग ए यूट्यूबर, जब मैं ओपन करती हूँ यूट्यूब को अपने कंटेंट के लिए कि क्या चल रहा है, क्या नहीं, क्या कुछ करवाना है, तो जब मैंने देखा तो मेरे को भी यही चीज़ देखने को मिली। तो मेरे को कुछ चीज़ें देख के अच्छा भी लगा, इस इनकी वीडियो देख के, कुछ वीडियोस देख के काफी दुख हुआ। क्योंकि दुख इस वजह से हुआ कि कुछ यूट्यूबर्स चंद व्यूज के लिए, कुछ सब्सक्राइबर्स के लिए और कुछ पैसों के लिए इस बच्चे से कुछ ऐसी चीजें बुलवा रहे हैं जो एक बच्चे को नहीं बोलनी चाहिए, एक बच्चे से हमें नहीं बुलवानी चाहिए। तो इन चीजों को थोड़ा सा अगर आप देखना चाहते हैं कि ये जो बच्चा है ये हिसार के धांसू गांव का रहने वाला है और हरियाणा के अंदर, तो अब इसकी जो हालत है, इसकी जो परिवार की इकोनॉमिकल कंडीशन है वो बहुत ज़्यादा ख़राब है। इसके जो वीडियोस आते हैं वो इसके चाचा बनाते हैं, वही इसको इंस्टाग्राम के ऊपर, टिकटॉक के ऊपर डालते थे। एक टिकटॉक स्टार आप इसको बोल सकते हो। टिकटॉक के बाद में इसने इंस्टाग्राम ज्वाइन किया और अभी कुछ लोगों की मदद से इसने यूट्यूब भी जो है वो ज्वाइन किया है। दोनों के लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, आप प्लीज़ इस बच्चे को फॉलो कीजिए। काफ़ी अच्छा बच्चा है, काफ़ी नीडी बच्चा है, टैलेंटेड है, ग्रो किया है, वायरल हुआ है, तो कुछ ना कुछ बात तो होगी। सो बेसिकली कुछ लोगों ने तो इसके ऊपर काफ़ी सारी जो है वो रिसर्च की है, कुछ लोगों ने इसके परिवार के बारे में दिखाया है, इसके घर के बारे में दिखाया है, जो काफ़ी खराब सिचुएशन है इस बच्चे के घर की। इसके अंदर रहने के लिए इनके पास घर नहीं है, इनकी मम्मा जो है वो डेली वेजिस पे काम करते हैं, एक बड़ा भाई है वो भी दिहाड़ीदार है, इनके पापा जो है उनकी जो मेंटल कंडीशंस है वो ठीक नहीं है। बच्चा जो खुद है इसको थोड़ा सुनाई कम देता है, इसकी आंत का ऑपरेशन हुआ हुआ है, बचने के चांसेस बहुत कम थे। तो ऐसे बच्चे से अपने फ़ायदे के लिए कुछ बुलवाना, जैसे कि हम वीडियोज़ में देख रहे हैं, वो कहाँ तक सही है आप लोग मेरे को ज़रूर बताना। सो बेसिकली ये वीडियो बनाने का मेरा मोटिव ये था कि बींग ए यूट्यूबर एंड बींग ऑल्सो अ बिश्नोई, मैं इस बच्चे की कुछ ना कुछ हेल्प कर सकूं, ताकि जहां तक मेरा वीडियो जाता है, जहां तक मेरा वीडियो लोग देखते हैं, इस बच्चे की कुछ ना कुछ हेल्प हो सके। नो डाउट हम सबकी हेल्प नहीं कर सकते, पर इतनी कुछ हेल्प कर सकते हैं कि इस बच्चे की ज़िंदगी थोड़ी सी सुधर सके, एक थोड़ा इसको अच्छा घर मिल सके, अच्छा कमरा मिल सके, पढ़ाई लिखाई के लिए इसको कंडीशंस मिल सके। तो आई रिक्वेस्ट कि आप सब लोग जितना हो सकता है उतना कॉन्ट्रीब्यूट कीजिए, ताकि इस बच्चे को अच्छा लाइफस्टाइल जो है वो मिल सके। ये नहीं है कि आप बहुत ज़्यादा दे दें, अमीर हो जाए, ये नहीं, एक अच्छी ज़िंदगी जिसको चाहिए होती है वो मिल जाए। जैसे कि मैंने अलग अलग वीडियोस में देखा, उन्होंने फुल कवर करके दिखाया हुआ, तो वहाँ पे मेरे को देख के बहुत दुख हुआ कि इस बच्चे को की वीडियोस बहुत लोग वायरल कर रहे हैं, बहुत लोग अपने चैनल्स के ऊपर डाल रहे हैं, बट इसकी हेल्प कोई नहीं कर रहा है। अभी चंद लोग जो है वो आगे आए हैं उठ के इस बच्चे की हेल्प करने के लिए, जिसको देख के बहुत अच्छा लग रहा है। बट आई रिक्वेस्ट यू अगेन कि इस बच्चे का कि ज़्यादा से ज़्यादा हेल्प कीजिए, इसको यूट्यूब के ऊपर और इंस्टाग्राम के ऊपर आप इसको फॉलो कीजिए। इसके अलावा इसके अकाउंट नंबर की डिटेल्स मैं आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर प्रोवाइड कर दूंगी, अगर आप इकोनॉमिकली इसकी हेल्प करना चाहते हैं तो भी कर सकते हैं। अगर आप यूट्यूब पर इसके वीडियोज़ देखेंगे तो इसका चैनल ग्रो करेगा, मोनेटाइज होगा, इनडायरेक्टली आप इसको कंट्रीब्यूट कर सकते हो। इंस्टाग्राम के ऊपर भी सेम आप इनडायरेक्टली कंट्रीब्यूट कर सकते हो, मतलब एज एस आप अगर बच्चे हो, छोटे बच्चे हो, स्टूडेंट हो, आपके पास नहीं है तो आप इसको कमेंट कर सकते हो, इसकी चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, इंस्टाग्राम के ऊपर फॉलो कर सकते हो। तो प्लीज़ इट्स अ रिक्वेस्ट कि इस बच्चे को काफ़ी हेल्प की ज़रूरत है। मेरे से जितना हो पाएगा मैं करूँगी, बाकी मैंने अपने यूट्यूब के ऊपर शेयर किया है, इंस्टाग्राम पे भी मैं शेयर करने वाली हूँ, ताकि ये जो बच्चा है इसकी जो कम से कम इसको ढंग से दवाइयाँ मिल सके, इसका इलाज हो सके, क्योंकि इसको सुनता सही से नहीं है और इनके घर की कंडीशन भी बहुत ख़राब है। जैसे कि मैं आपको पिक्चर्स में दिखा रही हूँ, साथ साथ इनके घर बिल्कुल टूटा बिखरा हुआ घर है, इनके पास रहने को ढंग की जगह भी नहीं है, तो आप कंप्लीटली देख सकते हैं कि इस बच्चे की क्या हालत है। जब मैंने ये वीडियोस देखी थी तो काफ़ी दिनों से मेरा मन कर रहा था कि मैं इसके ऊपर कुछ बोलूं, बट मेरी भी कुछ हेल्थ कंडीशंस ख़राब होने की वजह से मैं वीडियो अपलोड नहीं कर पाई। सो इट्स अ रिक्वेस्ट उन लोगों से जो इस चीज़ का मिसयूज़ कर रहे हैं, इस बच्चे का मजाक बना रहे हैं, प्लीज़ स्टॉप दिस। और उन लोगों से रिक्वेस्ट है जो इसकी हेल्प कर रहे हैं, इसका
मदद कर रहे हैं उन लोगों से कि ज़्यादा से ज़्यादा इस बच्चे को आगे लेके आया जाए ताकि इसकी हेल्प जो है वो की जा सके, क्योंकि ऐसी चीज़ें ऐसे टैलेंटेड बच्चों को आगे लेके आने की ज़रूरत है जो कुछ कर सकते हैं। कुछ कुदरत ने इसके अंदर कमी रखी है बट फिर भी ये बच्चा कुछ करने के लिए तैयार है। सो अगर हम लोग इसको मोटिवेट करेंगे तो ये और आगे बढ़ेगा और अपने पैरों पे खड़ा होने के लायक होगा। इसके माँ बाप की कंडीशन सुधरेगी, भाई की कंडीशन सुधरेगी। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।